नई नई है ये बातें वही इस मोड़ पर हम मिले हैं ना जाने अब मिलेंगे हम कभी रुक जाओ इस पल यहाँ पे निकल रहा हूँ मैं देहरादून। मेरी एक महीने पहले जो डॉक्टर के साथ डील हुई थी कि भाई मैं मतलब एक महीने बाद आऊँगा। चलो मास्क ब्लैक मास्क तेरे मैंने ले लियो अब ये ले ले अपना मास्क पकड़ ले ले इसको देखो कितने मजे आ रहे हैं रजाई के अंदर। अबे निकलो बाहर कुछ काम धंधा करो। कोहरा देखो जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है उसमें चुभ रहा है सब। ये देखो जो पाला पड़ता है ये देखो अभी टपक रहा है इससे। स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ना चाहिए व्हीकल सर्दियों में। अब यहां से सीधा मार्केट जाऊंगा मार्केट में गाड़ी खड़ी करूंगा कहीं पर भी सुमो पकड़ के देहरादून। ऐसा सफर मैंने बहुत किया है देहरादून का। मेरी बायोलॉजी थी फिर भी मैंने एनडीए का एग्जाम दे दिया था। कुछ भी करता था मैं उस टाइम पर तब बार बार एग्जाम देने गया हूँ देहरादून किसी भी चीज़ के मतलब कोटद्वार वालों का सेंटर जो है वो ना देहरादून मोस्टली पड़ता है। 2-2.5 घंटे का रास्ता है तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली देहरादून होते हैं हमारे। तुम्हारे कहाँ होते हैं कॉमेंट में लिख के बताओ। चलो अब चलते हैं। ये अपनी रेड लाइट अपने दोस्त के घर के बाहर खड़ी कर दिया मैंने बाइक। अब जल्दी से कोई ट्रैकर पकड़ेंगे और चलेंगे शायद उस तरफ देहरादून की सवारियां लगी हैं। देहरादून जा रही है देहरादून बाइक आ गई फुल हो गई सारी साल पैर जाम अपन रिस्पना पुल पे पहुंचे हैं अभी मतलब देहरादून एंटर कर चुके हैं। देहरादून का ट्रैफिक देखो तुम हमारे जस्ट पीछे हॉस्पिटल है चेकअप करा के आता हूं मैं पहले। हेलो प्रियांक प्रियांक आर्या चेकअप चेकअप हो गया हमारा। अगले एक महीना फिर से परहेज पे हूँ मैं। दवाई वगैरह एक कर दी है मेरी बस बाकी ब्लड रिपोर्ट्स जो आई हैं नॉर्मल हैं। अब चाहे लाख परहेज बता दें 2-2.5 साल से तो मैं परहेज कर ही रहा था डाइटिंग तो अभी ऐसा कोई दर्द नहीं होता है कि यार बाहर का नहीं खा पा रहा हूँ। हाँ खाया बहुत ऐसा नहीं है। फिलहाल मैं JSR एक होटल है यहाँ पर रिस्पिना के अपोजिट में यहीं पर खड़ा हूँ। मेरे चाची चाचा रहते हैं यहाँ मियांवाला में तो उनका लड़का विनय है वो आ रहा है मेरे को लेने के लिए। मैं सुबह भी खा के नहीं निकला कुछ थोड़ी भूख लगने लगी है दिन हो गया विनय आ रहा है दाल चावल वहीं खाएंगे फिर कोटद्वार जाएंगे वापस। बस 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 हाउ आर यू ऑल गुड कहाँ था तू ये आपने सामने ये बिल्डिंग है उसके बगल में जो घर था ये महाशय विनय है। चले चल यार एक बार बता यहाँ पर कुछ सही होटल वगैरह कोई है तो वहाँ ले चल।
भाई हम यहाँ तक पहुँचे हैं, दिस इज मिया वाला, क्या है ये मिया वाला चौक, चौक। विनय को देख लीजिए भाई ढंग से। हाँ भाई कुछ मिठाई शिठाई ले लेते हैं। चाय जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बोला उसने तेरे को? परहेज बताया तो वो कर ही रहा था तू महीने नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, कैसी है तू? आप कैसे हो? हमको आपको ब्लॉग में देख देख के खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको आपका ब्लॉग। भैया ज्यादा ठंडी हो रही है क्या यार? मैं बहुत ज्यादा ओवर पहना हुआ क्या मैंने? लंच वगैरह करेंगे, पहले लंच कर रहे हैं, चाची ने पहले लंच लगा दिया, उसके बाद इंट्रो करवाते हैं। यार भी शादी की है तो उसी आई थी आपकी इसमें सालगिरह में? तो जी ये हमारी चाची जी हैं। हेलो बोलो चाची। हेलो। और ऐसा इलाका जैसे हमारे कोटद्वार में सब करता है, खेतों के साइड भी खेत खलिहान है, सब लोगों के अपने अपने घर हैं। इधर आकांक्षा बैठी है, आकांक्षा सर अंकुर बैठा है, विनय 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 बड़ा है तेरे से? नहीं, मैं बड़ी। सबसे बड़ी आकांक्षा है, फिर विनय उधर खेल रहा है, हाय विनय। और इधर ये अंकुर है सबसे छोटा। तो चाहिए जाते कि एनिवर्सरी पे मम्मी पापा भी आए थे, ये रही माता श्री, ये रे पापा, पर ये देखो ये टकला कौन है, ये तोशी है रे। ये तो मैं हूँ। चलो आ जाओ। क्या सुखा रखा है यहाँ पर? जख्या तोड़िया पर है तो ये भी छौके वाला हिसाब ही। इलाका वैसा ही है घाटी वाला, जैसे कोटद्वार को घग्गी लैंसडाउन की वैली। रात को रुकोगे तो पता चलेगा, रात को ज्यादा ठंड है। हाँ। पर ऐसे टी शर्ट में तो नहीं रह सकते कोटद्वार में भी? टी शर्ट में यही रहना, जैसे टी शर्ट में तू है ना, ऐसा लग रहा है बस इंद्रधनुष की कमी थी बस। इनका नाम अंकुर है और ये गाने गाते हैं बहुत अच्छे, बट ये सुनाते नहीं है, टैलेंट बहुत है, कभी घमंड नहीं किया। तो गाना सुना देना। ये लोग कह रहे हैं कि रुक जाओ, मैंने कहा यहाँ एड शूट नहीं हो पाएगा, कल सुबह सुबह करना है मुझे। कितने एक्टर्स हैं यहाँ पर, हो जाएंगे? कौन कौन है एक्टर्स? लाइन से सारे खड़े हैं, ऑडिशन के लिए खड़े हैं। ये देखो ये सारे ऑडिशन के लिए खड़े हैं लाइन में। सबसे अच्छी एक्टर यही है गोलू, साइलेंट एक्ट कर रही है सबसे। भाई आधे घंटे हो यहाँ पर, चल यार भैया। अरे भाव नहीं खा रहा, सच में जाना पड़ेगा। सुन क्या हुआ कि आपको सुबह सुबह छोड़ रहा है, सुबह सुबह। चलो भैया अंकुर गिटार ले आए, इस तरह वाला सच सही कह रही हो, लाइट ले लाइट ले। अरे इतना होनी चाहिए यार, वो मैं रिकॉर्ड ना करो यार, एक्सपोजर क्या ऐसे नहीं हो रहा, आप सुनो ना बस। अच्छा चलो चलो अंकुर आप सुनो ना, आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अरे तू करना अंकुर का बेस्ट हो गया, इतने सारे गाते हैं 1:30 बजे अभी कोई याद नहीं आ रहा है। ये बातें वही रिस्मोर पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ उस पर यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सुरवटे तुझे अभी बुला रही है, ना जाओ दूर इनसे कहे ये सुकून कहाँ पर है, हासिल दिल को मेरे पता के मीनों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल ना माने, तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आंखों में, मैं कैद कर लूं हर वो पल तेरा, तेरी ये बातें जो तो नहीं ये ना हो तो तुम उड़े जा रहे ये आसमान।
तमाम खिड़कियों से देख तू पहाड़ों को यू छोटे से लगे है कितने बड़े जो हो सामने। ये यार सब ताली बजा दो यार, ऐसा तो हमें पता ही नहीं था यार ये इतना टैलेंटेड आदमी है यार। ये तो मैं उतार के दिया, चल पहन वापस। इतने सुखमय और खूबसूरत गाने के साथ विराम देते हैं ब्लॉग को यहीं पर और अगले अध्याय में मिलते हैं, घर वापसी करते हैं। जादू की